खुराक बढ़ा दो इसकी, बेहतर खाना दो, खजूर खिलाओ इसको, मरना नहीं चाहिए, ये जिंदा ही हमारे काम का है। सौगन, अगर आपने हमें अपनी चेली नहीं बनाया ना, तो सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे हम। एक आप ही हैं जो इस अबला का बेड़ा पार कर सकते हैं। स्वीकार कीजिए सबोध बालिका को गुरुजी। ए, नौटंकी बन, बन। ये बताओ कि चाहती क्या हो? बस आपकी छत्र छाया गुरुजी। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप कहेंगे, वैसा मैं करूंगी। आप जैसे बिरले बहुत कम मिलते हैं जो बड़े शुक्ला जैसे लोगों को भी अपने कब्जे में कर लें। बस अपनी शरण में ले लीजिए हमको गुरुजी। बिरला बहू, बड़ा मुश्किल है हमारा साथ देना। देंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे, अम्बे मैया की कसम। परीक्षा दोगी? हाँ बड़े पापा, मुश्किल से मुश्किल परीक्षा देंगे। तो बेला, ये बताओ कि दुनिया में तुम सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हो? अम्मी मियां, कैसा विकट प्रश्न है। बुरा मत मानिएगा गुरुजी, पर सबसे ज्यादा प्यार तो हम खुद से ही करते हैं। जवाब तो अच्छा देती हो तुम। थैंक यू। तो ये हो गई थ्योरी। अब प्रैक्टिकल की बारी है। ठीक है, हम तैयार हैं। अच्छा, तो सुनो, ये पुड़िया, इसको त्रिलोकी के खाने में मिला देना। जी, मतलब इसमें क्या है गुरुजी? इसमें जहर भी हो सकता है। अगर हमारी शरण में आना है तो
सवाल नहीं, जो कह रहे हैं वो करो। और याद रखना, जो करेंगे तेरे भले के लिए करेंगे। लो, गुरुजी, यूं ही पूछ रहे, यूं ही, यूं ही। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं कि जहर से त्रिलोकी जी मर भी सकते हैं का? हर जहर से कोई थोड़ी मरता है। हाँ, कुछ से तो अंधे हो जाते हैं, और बाकी ये है कि इससे कोई मर भी सकता है। राम नाम सत। साला नौवीं फेल वालों की कोई औकात ही नहीं है। मतलब बंदा मिसिज के लिए कुछ करने की कोशिश करे तो भी नहीं कर सकता, दुनिया को उसमें भी दिक्कत है। साला हमारे जैसा शरीफ आदमी जाए तो जाए कहाँ? इन्हें क्या हो गया है? वो मम्मी जी आपको नीचे खाने पे बुला रही है। हाँ वो आते हैं। हम थैंक यू, आपने हमको बुलाया। वो वैसे आपने खा लिया खाना? नहीं, हम बस ऐसे पूछ रहे थे कि वो टाइम पे खा लेना अच्छा होता है ना, वो एसिडिटी नहीं होती, वो काफी सारी बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती है ना, इसलिए हम बोल रहे थे। कृष्णा, हम आपको अच्छे तरीके से पैसे कमा के दिखाएंगे, फिर आपको लंदन जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हम खाना खा के आते हैं। बार बार सोचते हैं कि आपकी मदद कर देंगे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, लेकिन हर बार अपनी मुंह की खाते हैं, क्योंकि आप तैयारी नहीं है जिम्मेदारियां लेने के। हम ये पुड़िया का मसाला फेंक देते हैं, बड़े पापा को कौन सा पता चलेगा कि हमने त्रिलोकी डार्लिंग को ये खिलाया है कि नहीं। बुड्ढा बहुत ही घा गए अम्बे मियाँ, क्या पता इस पुड़िया की पन्नी में भी उसने आंखें लगा रखी हो। अगर उसको पता लग गया तो नहीं, ये अंधे वंधे होंगे तो भी चलेगा, बस मरने मत देना।
डार्लिंग डार्लिंग अरे क्या बात है बेला रानी है क्या मूड है तुम्हारा मैं पहले आप हलवा खाइए उसके बाद हलवा लाओ हलवा खिला दो अरे खिलाओ लाओ क्या हलवा बनाया बहुत ही बढ़िया अभी खत्म कर देना सारा हलवा बनाया बेला रानी मतलब दिल खुश कर दिया तुमने अरे मेरी जान अरे वाह मजा आ गया है बेला चार में से एक खर्च हो गया तो कितने बचे हम कृष्णा को सब कुछ बता देंगे बता दो सब कुछ जब हम अपना सामान वापस मांगेंगे काट के कलेजा अपना दे पाओगी जानती हूं कि हम तुम्हारा परिवार तितर बितर कर देंगे कल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हे प्रभु आप तो सब देख रहे हैं इस घर पर एक राक्षस का साया है हमारे परिवार की हमारे बच्चों की रक्षा करना प्रभु हमारे बच्चों पर कोई आंच ना आने पाए प्रभु आप ही का सहारा है रक्षा करना बेला मान लो कि छोटे की बहू के चार बच्चे गज त्रिलोकी राधे छप्पू उनमें से अगर एक कम हो जाए तो कितने बचे कितने हैं देखिए बड़े पापा आपने कहा था अंधे हो सकते हैं ये तो बेजान पड़े हैं देखिए आपने जैसा कहा था हमने सो कर दिया अब हम इन्हें अस्पताल ले चलते जिला टापर हम जिला टापर को बोलते वही कुछ बता सकते हैं हैं
बेला, इसको इसकी चप्पल सुंघाओ। बेला, हमको बहुत नींद आ रही है, हम कल सुबह बात करेंगे। बेला, तुम तो इम्तिहान में पास हो गई। भतीजा है हमारा, ऐसे कैसे उसे मर जाने देंगे? हाँ पागल। और सुबह तुझे तेरा पहला इनाम मिलेगा। कृष्णा, अगला नंबर कल है ना ललिया का? हाँ भैया। अरे शुक्ला जी, कोई है घर में? शुक्ला जी बाहर आइए। मम्मी, अरे शुक्ला जी कोई है घर में? मम्मी आप यहाँ कैसे? बुलाओ शुक्ला जी को। अरे हमसे वादा करके अंतर ध्यान हो गए। अरे मम्मी जी प्रणाम। कैसे बहन जी आप? नहीं मतलब आई, हमारा मतलब है बैठिए। नहीं मतलब ऐसे भौचाल मचाते हुए काहे आई है? आइए बहन जी, आपके मिस्टर आए थे हमारे घर, हमारी बिटिया का रिश्ता पक्का करके गए थे। कहे थे कि दशहरा आने तक राधेलाल से हमारी बिटिया की शादी करवा देंगे। हाँ, फिर? और अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हमारी बिटिया को देखो, किशन जी का फोटो देख के इसने घूंघट काट लिया है। और महादेव जी की कसम भी उठाई है कि घूंघट नहीं खोलेगी अगर राधेलाल से शादी नहीं हुई तो। एक मिनट, कौन सी शादी? नहीं, अगर हम मन ही मन में सोच लें कि हमको दीपिका पादुकोण से शादी करनी है तो क्या वो रणवीर सिंह को छोड़ के आ जाएगी हमसे शादी करने? ए मम्मी, क्या मजाक चल रहा है? अरे लल्ला, हम बात कर रहे हैं ना, तुम जरा चुप रहो। बहन जी, अरे कान आप सनाप बोली जा रही हैं आप, हैं? आप बताइए, हमारे राधे लल्ला की आपकी लल्ली से कैसे शादी हो सकती है? अरे ये क्या बात कर रही है बहन जी आप? तीन तीन अच्छे रिश्ते ठुकराए हमने इसके लिए, हा? समाज में बात फैल गई है। अरे ऐसे तो हमारी बेटी का ब्याह ही नहीं हो पाएगा। चाहे जो हो जाए, हम अपनी बेटी की शादी राधे लाल से करा के रहेंगे। हाँ, अब बुलाइए शुक्ला जी को। बहन जी, हम क्या कह रहे हैं, शुक्ला जी घर पर नहीं है। और कहां गए हैं, कब आएंगे, हमें कुछ नहीं पता। हटिए। अरे तो ठीक, जब आएंगे तो हम जाएंगे, ये तय रहा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।